दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस नाइन सीरीज़ के बारे में, जो कि इस मंथ आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वन प्लस नाइन सीरीज़ के लॉन्च डेट आ चुकी है और यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सामने आई है। यहाँ पर हम डिटेल में हम बात करेंगे कि वन प्लस नाइन सीरीज़ में कौन कौन से स्मार्टफोन आएंगे और क्या रहेगी इनके स्पेसिफिकेशंस। तो स्वागत है हमारे चैनल पर, पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी बेट है वन प्लस नाइन सीरीज़ का, तो यहाँ पर आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। इसमें वन प्लस नाइन होगा, वन प्लस नाइन प्रो होगा और इसका एक लाइट वेरिएंट आएगा जिसका नाम हो सकता है वन प्लस नाइन ई या फिर नाइन आर। मैक्सिमम चांस यही है कि ये स्मार्टफोन नाइन प्लस ई के नाम से ये स्मार्टफोन आएगा। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इन स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं वन प्लस नाइन स्मार्टफोन की। तो वन प्लस नाइन स्मार्टफोन में आपको जो डिस्प्ले मिलेगी वो होगा 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले होने वाली है। यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं होगी, यानी कि वन प्लस नाइन में आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिलेगी। अगर डिज़ाइन की हम बात करते हैं तो सेम लेफ्ट कॉर्नर में पंच होल का डिज़ाइन दिया जाएगा, जैसे कि वन प्लस नाइन बाकी स्मार्टफोन में मिलता है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 8088 का चिपसेट, जो कि 5G के साथ में आएगा और यहाँ पर 8GB तक रैम मिलेगा और 128GB इंटरनल स्टोरेज की ऑप्शन दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वन प्लस नाइन के कैमराज के बारे में। तो यहाँ पर बड़ा अपग्रेड मिलेगा स्मार्टफोन में एज कम्पेयर वन प्लस 8 सीरीज। तो वन प्लस नाइन में जो कैमरा यूज किया जाएगा वो है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इसमें जो दो कैमरे होंगे 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी, 48 मेगापिक्सल्स का, इसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड वो भी 48 मेगापिक्सल्स का होगा। और जो थर्ड कैमरा होने वाला है उसके बारे में अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है कि कौन सा सेंसर यूज किया जाएगा। वहीं साथ में आपको 60 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया जाएगा। वहीं साथ में आपको 4000 एमएच की पावरफुल बैटरी दी जाएगी जो 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करेगी और इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगी। वन प्लस नाइन के बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों वन प्लस नाइन प्रो की, तो 6.7 इंचेस की क्वाड एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आने वाली है। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। अगर परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो वन प्लस नाइन में आपको सेम चिपसेट देखने को मिलेगा जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8088 चिपसेट होने वाला है। वहीं साथ में आपको क्वाड रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है, प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का, इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, इसके अलावा 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का दो कैमरा और होंगे। वहीं साथ में 4800 एमएच की पावरफुल बैटरी मिलेगी। वहीं साथ में आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको वायरलेस चार्जिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और आईपी रेटिंग वगैरह ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड स्मार्टफोन आने वाला है दोस्तों, जो कि लाइट वेरिएंट होगा, वहाँ पे आपको 6.5 इंचेस का एक 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले दी जाएगी और जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 619 चिपसेट मिलेगा जो 5G के साथ में आता है और इसके अलावा 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन दी जाएगी। वहीं साथ में आपको 5000 एमएच की पावरफुल बैटरी दी जाएगी। वहीं साथ में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगी। वहीं साथ में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दिया जाएगा, प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का होगा और बाकी के जो दो कैमरे हैं उनके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। वहीं अगर हम लॉन्च डेट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह स्मार्टफोन 8 मार्च को ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगा। अगर इंडिया में लॉन्च डेट की अगर हम बात करते हैं तो 23 मार्च को यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी वन प्लस नाइन सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।